गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सभी का आज की जो हमारी ऑनलाइन केमिस्ट्री क्विज कंपटीशन है इसके अंदर सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने कुछ बातों का खास ध्यान रखेंगे इस क्विज के दौरान। सभी बच्चों को उनकी जो भी टीम है ए बी सी वी तक टोटल 22 टीम्स हैं, सभी ने अपना देख लिया होगा कौन सी टीम है। ये कुछ आपकी स्टेप्स हैं, आपके रूल्स हैं जो पहले ही आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर हम दे चुके हैं। एक टीम के अंदर आपके तीन बच्चे हैं, तीन राउंड हैं, 10 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना है और हमारे जो रिकॉर्ड कीपर हैं सारे तैयार हैं, टाइम कीपर भी तैयार है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम अपने कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं। ये कंपटीशन हम इसलिए करवाते हैं ताकि आपके अंदर सभी के अंदर कंपटीशन की भावना बनी रहे, क्योंकि ये पूरा जो जमाना है, वर्ल्ड है, ये फुल ऑफ कंपटीशन है। आपको आगे कंपटीशन के थ्रू ही आप कहीं पे सक्सीड कर सकते हैं। तो सभी को अपनी टीम का पता है ए बी सी डी, सिर्फ 10 सेकंड के अंदर जवाब देना है, नहीं तो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो राउंड है वो है विजुअल और एक्टिविटी राउंड। तो टीम ए के लिए हमारा पहला क्वेश्चन, टाइम कीपर और जो हमारे स्कोर रिकॉर्डर हैं वो तैयार रहें, साथ के साथ मार्क्स लगाते रहें। नेगेटिव मार्किंग होते ही आपका 1 मार्क कट जाएगा। एक क्वेश्चन के 4 नंबर हैं, नेगेटिव मार्क 1 नंबर कट जाएगा। जो क्वेश्चन किसी बच्चे को नहीं आएगा तो जस्ट अगली टीम को चला जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। अगर अगली टीम ने आंसर ठीक दे दिया तो उसको 1 बोनस मार्क्स मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ए टीम के लिए, आप इस एक्टिविटी को देख के बताएं और ये बताएं ब्लू लिटमस स्ट्रिप से क्या दिख रहा है। नहीं, टाइम जैसे ही स्क्रीन के ऊपर ये स्लाइड आई, टाइम स्टार्ट। Now the question goes to team B. The basic solution है बेटा, टाइम बी। तो ये जो सॉल्यूशन इसमें आपको दिख रहा है ब्लू लिटमस स्ट्रिप के ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो बेसिक सॉल्यूशन है। अभी हम यानी इस चीज का कोई भी जवाब नहीं देंगे, वो बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम बी, टाइम स्टार्ट। टाइट्रेशन है ये, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन विद द हेल्प ऑफ फिनोप्थिलीन इंडिकेटर। जो सॉल्यूशन है वो कैसा है टाइट्रेशन फ्लास्क में, आप बताएं। टाइम अप। क्वेश्चन टू टीम सी, टाइम अप आपको दिख रहा है कि इसके अंदर पिंक कलर आ रहा है, तो इट मींस जो नीचे जो सॉल्यूशन है वो आपका बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 फॉर टीम सी, अभी तक किसी भी टीम को कोई मार्क नहीं मिला है। क्वेश्चन पास टू टीम डी, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्ट एज द बून फॉर द अर्थ पीपल। बोनस मार्क के लिए भी उस टीम को कोई मार्क नहीं मिले, तो सभी जानते हैं कि ये लेयर जो होती है ओजोन लेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 टू टीम डी, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ओजोन लेयर। पूरी एक्टिविटी को आपने देखा, बोनस मार्क के लिए नेक्स्ट टीम ई के लिए, टाइम अप। जैसे आपको दिख रहा था कि इसमें लास्ट में आपने अम्ब्रेला भी देखा, तो आपको पता है कि जो ओजोन लेयर है
एक्सेस द कैसे काम करती है, ये प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला की तरह काम करती है, तो इट ऑल्सो कॉल्ड एज द अर्थ प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम ई, विच टाइप ऑफ रेडिएशन आर रीमिटिंग फ्रॉम द हीटेड अर्थ सर्फेस इन द गिवन एक्टिविटी. Question 2, next team, team F. UV, sir. Get a wrong answer. आप सभी ये जानते हैं कि जब भी कोई भी हीटिंग मटेरियल होता है, जब अर्थ के ऊपर से रेडिएशंस निकलती हैं, ये टकराने के बाद, दीज आर ओनली द इंफ्रारेड रेडिएशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट टीम, टीम एफ. आपको फाइनल इफेक्ट बताना है, लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में कौन सी प्रोसेस चल रही है, एंड प्रोसेस कौन सी आपकी एक्टिविटी में, एंड में कौन सी प्रोसेस थी. नेक्स्ट टीम, टीम जी. टाइम अप. आपको दिख रहा है कि यहाँ पे पोल्यूशन है, तो पोल्यूशन के थ्रू जो नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड गए ऊपर से, क्लाउड्स आपको दिख रहे हैं, बारिश हुई उसके साथ मिले, एसिड मिला, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, वो रेन हो रही है, सो कॉल्ड द एसिड रेन. आप इसे एसिड रेन कहते हैं. तो ये प्रोसेस जो इसमें दिखी ओवरऑल, वो आपकी एसिड रेन थी. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट टीम, अब मुझे टीम का नाम, टीम एच. फ्लाइंग एयर, टाइम अप. फ्लाइंग एयरप्लेन के अंदर से कौन सी गैस इमिट हो रही है, बोनस मार्क्स के लिए नेक्स्ट टीम के पास. आपको पता है कि जो ओजोन लेयर होती है, उसकी जो डिप्लीशन होती है, वो इसी वजह से होती है कि जो एयर जेट्स जाते हैं, इनमें से हार्मफुल केमिकल रिलीज होता है, दैट इज द सीएफसीज, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. सो दैट इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 फॉर द नेक्स्ट टीम, टीम आई. आइस फैक्ट्री के अंदर से कौन सी गैस लीक होने से बर्निंग सेंसेशन होती है, जिससे डेथ भी हो सकती है. बोनस मार्क्स के लिए नेक्स्ट टीम के पास. अमोनिया गैस सभी जानते हैं, वो यूज की जाती है इसके अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस ट्रेजडी जो हुई थी दिसंबर 1984 में, कौन सी गैस रिलीज हुई थी जिससे मिलियंस ऑफ पीपल की डेथ हो गई थी. मीथेन आई सर, MIC. ठीक आंसर, करेक्ट आंसर. कौन सी टीम को मिलेंगे, जे टीम को 4 मार्क्स. सर के सर मेरी टीम के है. कौन सी टीम को हमने क्वेश्चन दिया था ये, तो बेटा आपने जवाब कैसे दिया, आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा. जिसका सभी बच्चे ध्यान रखें, जब हम टीम का जवाब देते हैं तो आप बीच में इंटरफियर ना करें कोई भी. हमने आपको पहले बता रखा है, जिस टीम का जो क्वेश्चन होता है वही देगा, पास होगा तो उससे अगली टीम के पास जाता है. क्वेश्चन नंबर 10, टीम कौन सी है, जे टीम के लिए ये क्वेश्चन. कौन सी गैस ऐसी है जो आमतौर पे मार्शी एरियाज के अंदर भी अपने आप निकलती रहती है, और 85% इस गैस का जो ईस्टर्न एशिया है वहां पे ह्यूमन एक्टिविटी से भी रिलीज होता है. टीम कौन सी है,
जे टीम का ये क्वेश्चन था। टाइम अप, टाइम अप। बोनस मार्क्स के लिए नेक्स्ट टीम के पास, के टीम के पास सर मीथेन, मीथेन गैस, बिल्कुल सही। तो बोनस मार्क्स 1 मिल जाएगा। अब आपके लिए ही अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सही है। विच इफेक्ट इज कॉन्टिन्यूअसली कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग इन द गिवन एक्टिविटी? ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब बिल्कुल सही जवाब आपका। तो 4 नंबर मिले आपको। टीम कौन सी है ये? इसी टीम को सही। कौन सी टीम थी ये? के टीम को 4 मार्क्स भी मिल गए साथ के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगली टीम के लिए जे के बाद है एल टीम। अब एल टीम के लिए, एल टीम के लिए ही अगला क्वेश्चन। आप डायग्राम को देख के भी बता सकते हैं व्हाट इज कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग इन द गिवन एक्टिविटी। टाइम अप, टाइम अप। बोनस मार्क्स के लिए अगली टीम के पास क्वेश्चन। कौन सी टीम है ये? एम के पास बोनस मार्क्स के लिए। टाइम अप, टाइम अप। आपको डायग्राम में भी साफ साफ दिख रहा है जहां पे टेम्परेचर आपको दिख रहा है, हाइट और टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर कॉन्टिन्यूसली गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो जो बढ़ रहा है वो क्या था आपका? टेम्परेचर, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट ही है ये, ऊपर लिख भी रखा था स्क्रीन के अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी टीम के लिए? एम के लिए है ये क्वेश्चन। टीम एम, गैसियस हाइड्रोकार्बन इमिशन कॉन्टिन्यूसली कॉजिंग द हीटिंग इफेक्ट। Which gaseous hydrocarbon? Time up. Time up. Bonus marks के लिए next team के पास. Team. End team के लिए. Team N. Time up. Time up. आप सभी जानते हैं कि काफी gases होती हैं जिन्हें आप ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं, जिसमें जो वाटर वेपर्स है वो भी ग्रीन हाउस गैस का काम करता है, CO2 भी करता है, लेकिन क्वेश्चन था गैसियस हाइड्रोकार्बन, सो द आंसर इज मीथेन। आइडेंटिफाई द टेक्निक यूज्ड इन द बिलो गिवन एक्टिविटी। कौन सी टेक्निक यूज की गई है यहाँ पे इस एक्टिविटी में? कौन सी टीम? एन, एन टीम। अक्रोमेटोग्राफी आपका ठीक जवाब है ये, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया था कि कौन सी टाइप है क्रोमेटोग्राफी की, लेकिन आपने ये जवाब दिया इसलिए इसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टीम के लिए, ओ टीम के लिए। आप ध्यान से इस एक्टिविटी को देख के बताएं कौन सी सेपरेशन टेक्निक है। टीम ओ, नेक्स्ट टीम। सही जवाब आपका। बोनस मार्क्स मिलेगा 1 नंबर मिलेगा। कौन सी टीम थी? पी टीम को बोनस मार्क्स सर। पी टीम के लिए अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेपरेशन टेक्निक used in the magnetic separation। हाँ जी बोलो। magnetic separation sir। हाँ magnetic separation, बिल्कुल ठीक जवाब। magnetic separation। हाँ ठीक जवाब, 4 marks। अगला question next team के लिए, team Q के लिए अगला question। कौन सी process यहाँ पे चल रही है आप पहचाने? osmosis sir। osmosis, बिल्कुल ठीक जवाब आपका। तो 4 marks team क्यों को, 4 मार्क्स। अगला क्वेश्चन टीम आर के लिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ यूनिट सेल, इस यूनिट सेल को पहचाने ये कौन सी है? सीसीपी सर। टाइम अप। ये आपकी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। कितने मार्क्स? 4 मार्क्स मिल गए आपको। आपने क्या जवाब दिया है?
बेटा सीसी सीसीपी नहीं है इसका ठीक जवाब, आपको वो कई टाइप की होती हैं, आपका जवाब होगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। आपको स्पेशल जवाब देना था, ये नहीं क्योंकि एफसीसी भी होती है, तो इसका जवाब था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट बोनस मार्क्स के लिए अगली टीम के पास अब नहीं भेजेंगे क्योंकि मैंने जवाब बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिफेक्ट, कौन सी टीम के लिए? टीम एस। टाइम अप। बोनस मार्क्स के लिए अगली टीम के पास टीम टी। आपको साफ साफ डायग्राम में दिख रहा है कि सोडियम कौन है, क्लोराइड कौन है, तो सेम नंबर ऑफ कैटायन और एनायन का लॉस हुआ है जिसकी वजह से वैकेंसी बनी है, तो सो इट इज ए शॉर्ट की डिफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 टीम टी के लिए, एलिमेंट को पहचाने, एलिमेंट का नाम बताएं। टाइम अप। कार्बन सर। बोनस मार्क्स के लिए टीम यू है। टाइम अप। आपको सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही काउंट करने थे इसमें, इसके बाद टीम टीम यू के लिए क्वेश्चन है ये, आइडेंटिफाई द प्रोसेस। टाइम अप। बोनस मार्क्स के लिए नेक्स्ट टीम वी के लिए सर एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन इज द करेक्ट आंसर, तो बोनस मार्क्स 1 मिलेगा टीम वी को क्योंकि सिर्फ सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स टिके हुए। नेक्स्ट टीम वी के लिए ही अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोसेस इन द गिवन एक्टिविटी। एंजाइम कैटालिसिस। रॉन्ग आंसर। बोनस मार्क्स के लिए टीम ए के पास टीम ए। टाइम अप। आपके जो आपको साफ साफ दिख रहा है, जो सबस्ट्रेट को चिपकने नहीं दे रहा, उसके सरफेस के ऊपर स्टिक नहीं होने दे रहा, पीछे से जो इनहिबिटर आया है, सो इट इज द नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, तो इस प्रोसेस का नाम है नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। तो ये राउंड हमारा फर्स्ट फिनिश हुआ, हम साथ के साथ स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट राउंड को। इतने हमारे जो स्कोरर हैं काउंट कर लेंगे, देख लेंगे कौन सी टीम आगे चली, लेकिन हम साथ के साथ अब हम शुरू करते हैं अपना अगला राउंड। मल्टीपल चॉइस राउंड होगा हमारा नेक्स्ट, एक क्वेश्चन चार आंसर। अब हम बैक से शुरू करेंगे, पीछे से चलेंगे अब की बार हम इस राउंड के अंदर। सबसे पहले लास्ट टीम जो टीम वी है उसके लिए पहला क्वेश्चन, विच इज द लाइटेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, टीम वी। हीलियम सर। हीलियम सर। बोनस मार्क्स के लिए पेजी। बोनस मार्क्स के लिए टीम यू के पास क्योंकि बैक चलेंगे अब की बार। हाइड्रोजन सर। हाँ करेक्ट आंसर। बोनस मार्क्स एक नंबर मिला बोनस मार्क्स यू टीम को। यू टीम के लिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियोएक्टिव एलिमेंट। रेडॉन सर। रेडॉन सर। बिल्कुल ठीक जवाब, चार मार्क्स मिले आपको, फोर मार्क्स मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन टीम टीम टी के लिए, अब की बार रिवर्स चल रहा है हमारा राउंड। टीम टी के लिए एलिमेंट फाउंड इन द सरफेस ऑफ द मून। टाइम अप। नेक्स्ट बोनस मार्क्स के लिए टीम टीम एस। टीम एस। टाइम अप। मून के सरफेस के ऊपर जो एलिमेंट मिलता है वो है टाइटेनियम, इज द करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सी टीम के लिए, टीम एस के लिए
The element present in largest amount in rocks and minerals is silicon. हाँ बोलो बेटा. Time up. क्या क्या बोला था बेटा आपने? जवाब दिया था आपने? इसने आंसर दे दिया था सर, सिलिकन. हाँ सिलिकन इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक जवाब है. 4 मार्क्स मिलेंगे टीम को. अगली टीम आर टीम के लिए अगला क्वेश्चन. द एलिमेंट प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन द रॉक एंड मिनरल्स. ये तो हो गया. सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेलोजन. रिपीट हो गया था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेलोजन. रेड ऑन सर. रॉन्ग आंसर. बोनस मार्क्स के लिए रॉन्ग आंसर का 1 मार्क काट लो. जिनके भी रॉन्ग आंसर थे उसका 1 नंबर कटेगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग. विच ऑफ द फॉलोइंग अपने नेक्स्ट बोनस मार्क्स के लिए हम सभी के नंबर काटेंगे जो भी गलत जवाब देगा. नेगेटिव मार्किंग. एस्टेटिन. एस्टेटिन इज द करेक्ट आंसर. बोनस मार्क्स मिल गया आपको, 1 नंबर मिला. अब अगला क्वेश्चन टीम टीम क्यू के लिए. नेम द गैसेस विच आर जनरली यूज्ड इन रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज ऑफ द डाइवर्स इन द सी. ऑक्सीजन एंड हीलियम इज द करेक्ट आंसर. नंबर मिलेंगे टीम को. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द टीम. नेक्स्ट एजीबीआर सर. और पी के लिए ये बिल्कुल ठीक जवाब दिया आपने. जो सब्सटेंस फ्रीक्वेंटली यूज होता है फोटोग्राफी में वो एजीबीआर है. तो 4 नंबर मिलेंगे टीम टीम पी को. अगला क्वेश्चन टीम टीम ओ के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. द आईसी चिप्स फॉर द कंप्यूटर आर यूजली मेड ऑफ सर सिलिकॉन. सिलिकॉन इज द करेक्ट आंसर. 4 नंबर मिलेंगे आपको. टीम कौन सी थी? ओ. अगला क्वेश्चन टीम एन के लिए. Which synthetic fiber is known as artificial silk? Rayon. Rayon is the correct answer. N ko 4 marks mile. Next question for team. Team M ke liye. Which of the following noble gas is least polarizable? Argon. Argon is the wrong answer. Bonus marks. Bonus marks के लिए next team के पास. Team L. Helium. Time up. इसका answer था helium क्योंकि सबसे छोटी गैस है तो least polarizable होगी. सबसे छोटा size है. Next question for the team. Team L के लिए अगला question. Which of the following is used to remove ink spot? कहीं पे शाही गिर गई आपको साफ करनी है आपके कपड़े के ऊपर तो आप कौन सा केमिकल करेंगे यूज? बोनस मार्क्स के लिए टीम के पास. टीम के जवाब दे बोनस मार्क्स के लिए. ऑक्सैलिक एसिड. ऑक्सैलिक एसिड इज द करेक्ट आंसर. तो 1 नंबर मिलेगा आपको बोनस मार्क्स. अब आपकी ही बारी दोबारा आपके लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. What will happen? कोई गिलास आपका पूरा भरा हुआ है उसमें पानी भी है आइस भी है फिर आइस पिघल गई तो क्या होगा? सेम रहेगा सर. ना सेम. रॉन्ग आंसर. नेक्स्ट बोनस मार्क्स के लिए टीम माइनस वन दे दिया. टीम जे बोनस मार्क्स के लिए. टाइम अप. आपको पता है जो आइस है इसका साइज बड़ा होता है इसके बीच में वैकेंट स्पेसेस होते हैं तो मेल्ट होके वो क्या हो जाएगा उसका लेवल स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगा. तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द पीएच ऑफ काउज मिल्क. जो गाय का दूध होता है उसकी पीएच कितनी होती है जो हम पीते हैं? टीम जे के लिए है ये क्वेश्चन. टाइम अप. बोनस मार्क्स के लिए अगली टीम. 6.7 to 6.9 इज द करेक्ट आंसर. बिल्कुल सही जवाब. आपको बोनस मार्क्स मिल गया. 1 नंबर मिला आपको.
अब आपके लिए ही नेक्स्ट क्वेश्चन, जो गाय का दूध होता है ये येलो क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, काउ मिल्क इज येलो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, सर बी रिबोलस, रॉन्ग आंसर। ये बोनस मार्क्स के लिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द टीम, टीम आई के लिए अगला क्वेश्चन है ये, द स्पीसी हैविंग मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन, वो कौन होगी वो स्पीसी? टाइम अप, बोनस मार्क्स के लिए टीम एच के पास क्वेश्चन ये, बोनस मार्क्स के लिए। एनायन इज द रॉन्ग आंसर, ऐसे तो आप नेगेटिव में भी जा सकते हैं, तो सिंपल दिख रहा है प्रोटॉन ज्यादा है तो कैटायन ही होगा। अगला क्वेश्चन टीम एच के लिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एमिनो एसिड, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन इज द रॉन्ग आंसर। बोनस मार्क्स के लिए अगली टीम, टीम सी ऑप्शन, टीम जी के पास, हाँ बोलो बेटा, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, आपको एक नंबर मिलेगा। ग्वेनिन क्योंकि डीएनए आरएनए के अंदर मिलता है, वो एक एमिनो एसिड नहीं है, बिल्कुल ठीक। अब टीम टीम जी के लिए अगला क्वेश्चन, ये किसकी डेफिनेशन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, मोलेलिटी सर, बी ऑप्शन, मोलेलिटी इज द करेक्ट आंसर, 4 नंबर मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन टीम, टीम एफ के लिए अगला क्वेश्चन, ये किस लॉ की डेफिनेशन है कि द अमाउंट ऑफ द गैस डिसॉल्वड इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ इज द रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर, माइनस वन कीजिए। नेक्स्ट बोनस मार्क्स के लिए टीम, टीम ई के पास, टीम ई जवाब दे, एक्सक्यूज मी सर, डी ऑप्शन, बोलो बेटा सर, रॉन्ग आंसर जो दिया वो हमारी टीम से नहीं था वो बंदा, टाइम अप, इसका जवाब है हेनरी ला, सभी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो सभी को इसके जवाब का पता होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द टीम, टीम एफ के लिए अगला क्वेश्चन, द मेन बफर सिस्टम ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज, किसी की कोई भी क्यूरी होगी लास्ट में ले ली जाएगी, टाइम अप, बोनस मार्क्स के लिए टीम ई, टाइम अप, जो इसका आंसर ए है सभी को पता होना चाहिए था इस चीज का, हमारे ब्लड जो बफर का काम भी करता है तो वो किस लिए किस हिसाब से, आप बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द टीम, टीम ई, टीम ई के लिए ये क्वेश्चन, ऑक्टेन नंबर 0 किसको असाइन किया गया है, सिर्फ 10 मिनट बची हुई है हमारी क्विज की, जल्दी से जवाब दें, टाइम अप, आंसर इज एन हेप्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द टीम, टीम डी के लिए अगला क्वेश्चन, मेटल के अंदर लश्चर क्यों होती है, किस वजह से, बोनस मार्क्स के लिए नेक्स्ट टीम के पास, टीम टीम सी के पास, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही जवाब आपका, बोनस मार्क मिलेगा आपको। अब आपके लिए अगला क्वेश्चन, टीम सी का ही है ये क्वेश्चन, द ऑयल यूज्ड इन द फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज, बी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन बेटा, पाइन ऑयल सर, पाइन ऑयल, सेकंड, पाइन ऑयल इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है ये। अगला क्वेश्चन फॉर टीम बी के लिए, द गैस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द वनस्पति घी फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल इज, हाइड्रोजन, बिल्कुल सही जवाब, 4 नंबर मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द टीम ए, द यूज ऑफ ग्रेफाइट रोड इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज, ग्रेफाइट रोड क्या काम आती है न्यूक्लियर रिएक्टर में,
टाइम अप बोनस मार्क्स के लिए टीम टीम ए के पास ना ए को ए थी सॉरी लास्ट वी टीम के पास टीम वी बोनस मार्क्स के लिए ए सर कन्वर्ट फास्ट न्यूट्रॉन इनटू थर्मल बिल्कुल सही जवाब आपको बोनस मार्क्स मिलेगा टीम वी को बोनस मार्क अब दोबारा से हम अपना अगला राउंड शुरू करते हैं क्वेश्चन राउंड टीम ए बी टीम को बोनस मार्क्स मिला था वो अब टीम ए के लिए वाटर की डेंसिटी अब कोई ऑप्शन नहीं आपको सीधा जवाब देना है द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट टाइम अप टीम बी के पास -40 डिग्री सेल्सियस -40 इज द रॉन्ग आंसर इसका सही आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है टीम बी के लिए जवाब टीम बी इस क्वेश्चन का जवाब दे रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन इज C14 इज द राइट आंसर टीम सी के लिए अगला क्वेश्चन ग्रीन फ्रूट्स को पकाने के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है टीम सी जल्दी से जवाब दें टाइम अप टीम डी के लिए बोनस मार्क जल्दी से जवाब दें टाइम अप इथाइलिन गैस यूज की जाती है अगला क्वेश्चन टीम डी के लिए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन इज द राइट आंसर 4 नंबर मिलेंगे आपको अगला क्वेश्चन हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या है टीम ई के लिए B2O इज द राइट आंसर 4 नंबर मिलेंगे आपको अगला क्वेश्चन टीम एफ के लिए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन दैट इज द न्यूक्लियर रिएक्शंस का ऑर्डर क्या होता है टाइम अप बोनस मार्क्स के लिए नेक्स्ट टीम टीम जी फर्स्ट ऑर्डर इज द करेक्ट आंसर बोनस मार्क मिल गया आपको 1 नंबर मिला आपके लिए ही अगला क्वेश्चन किस एलिमेंट की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ग्रुप नंबर 16 में विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ग्रुप 16 ये कोई नंबर नहीं मिला आपको बोनस मार्क्स के लिए नेक्स्ट टीम टीम एच ये आपका लास्ट राउंड है फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा टाइम अप आपकी ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है तो सल्फर इसका सही जवाब था अब अगली टीम के लिए क्वेश्चन टीम विच व्हाट इज द मोलेलिटी ऑफ प्योर वाटर टीम एच के लिए है क्वेश्चन नेक्स्ट टीम के लिए बोनस मार्क्स के लिए टीम आई के पास क्वेश्चन गया 55.5 इज द करेक्ट आंसर 1 नंबर मिलेगा आपको नेक्स्ट टीम आई के लिए ही अगला क्वेश्चन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बेसिक यूनिट सेल की संख्या कितनी होती है टाइम अप बोनस मार्क्स के लिए अगली टीम जे के पास बोनस मार्क्स के लिए आप सिंपल एक फॉर्मूला हमेशा याद करते हैं सी टोम हर्ट तो 7 बेसिक यूनिट सेल होती है नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द टीम जे के लिए जल्दी से जवाब दें विच कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड एज द फूड ऑफ ब्रेन टाइम अप नेक्स्ट बोनस मार्क्स के लिए टीम के ग्लूकोज इज द राइट आंसर बोनस मार्क्स मिलेगा आपको आपके लिए ही अगला क्वेश्चन विच विटामिन कंटेन कोबाल्ट के टीम जल्दी से जवाब दें सर साइनोकोबालामिन टाइम जा चुका बेटा आपका बोनस मार्क्स अब नहीं मिल पाएगा अगली टीम को भी
सर पहले ही बोल दिया था सर, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ। चलो बेटा ठीक है, आपको मार्क्स दे दिया गया, तो आपको मार्क्स मिल गया अगली टीम के लिए। अगला क्वेश्चन टीम एल, कई बार हमें नहीं सुन पाता टाइम पे, इसलिए सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर कॉल्ड, टीम एल के लिए है ये क्वेश्चन। टाइम अप, बोनस मार्क्स के लिए। सोप, सोप इज द करेक्ट आंसर, बोनस मार्क्स मिलेगा आपको। आपके लिए ही अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप और क्या कहते हैं? डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड इज द करेक्ट आंसर, तो आपको चार नंबर मिल गए। अगला क्वेश्चन टीम टीम एन के लिए, जल्दी जल्दी जवाब दें टाइम फिनिश होने से पहले। विच एलिमेंट इज चूजन एज द स्टैंडर्ड टू डिफाइन वन मोल, टाइम अप, बोनस मार्क्स के लिए। नेक्स्ट टीम टीम एन, टाइम बहुत ही कम है, दो मिनट बचे हुए हैं, जल्दी से जवाब देना बची हुई टीम को। टीम ओ है, टाइम अप, कार्बन 12 आप यूज करते हैं हमेशा ही। नेक्स्ट, कौन सा रीजन होता है जो यूवी रीजन और आईआर के बीच में होता है? टीम टीम ओ के लिए है क्वेश्चन, यूवी आईआर के बीच के रीजन को क्या कहते हैं, कौन सा रीजन है? टाइम अप, बोनस मार्क्स के लिए अगली टीम के पास। टीम पी, विजिबल रीजन, विजिबल रीजन इज द करेक्ट आंसर, बोनस मार्क्स मिलेगा। आपके लिए अगला क्वेश्चन, जल्दी से जवाब दें, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या है, जल्दी बोले, नहीं आता हो तो पास कर दी। हाँ बोलो, Fe2, इज द रॉन्ग आंसर, माइनस वन हो जाएगा। अंजलि क्यों बोल रही है, वो हमारे ग्रुप में नहीं है, हमने पास कर दिया, इसको नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन अगली टीम के लिए, टीम क्यू के लिए, विच इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर? सर नाइट्रोजन 78%, नाइट्रोजन इज द करेक्ट आंसर। अगली टीम के लिए क्वेश्चन, द एनसीएल नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ है, कौन से शहर में है? टीम आर के लिए, जल्दी बताएं बेटा, टाइम फिनिश होने वाला है। टाइम अप, टीम एस के लिए अगला क्वेश्चन, उसका नाम था एनसीएल पुणे है, कौन से ला की स्टेटमेंट है, जल्दी से जवाब दें टीम एस, टाइम हमारा फिनिश हो जाएगा, थैंक यू, जल्दी से जवाब दें आप। टाइम अप, अगली टीम के लिए क्वेश्चन, मैक्सिमम कोवेलेंसी नाइट्रोजन की कितनी होती है? टीम टी के लिए नाइट्रोजन वैलेंसी टी, नाइट्रोजन कितनी मैक्सिमम कोवेलेंसी दिखाता है? टीम टी फोर सर, फोर बिल्कुल सही जवाब। अगला, मोलिकुलर फार्मूला फास्फोरस का क्या होता है? टीम यू जल्दी बताए, P4 बिल्कुल सही। लास्ट क्वेश्चन, फॉर्मेलिन का IUPAC नेम बताएं, टीम वी, आपका